बाखमुट में यूक्रेन ने बीएमपी टैंक से बरसाए गोले, रूसी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ। बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने रशियन फाइटर को टारगेट करके ध्वस्त किया। हमले में रशियन पायलट के मारे जाने का दावा। बाखमुट के बाहरी इलाके में आमने सामने की जंग तेज हो गई है। बंकर में छुपकर सैनिक कर रहे एक दूसरे पर अटैक। घायल होने के बाद भी जवानों का जोश हाई। देर रात रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर अटैक किया। रूस ने S-300 मिसाइल से खार्किव पर हमला किया। हमले में बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ। हमले में रूस ने खार्किव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। खार्किव शहर में रात से बज रहे हैं एयर सायरन। खार्किव के गवर्नर ने 3 मिसाइल हमलों का दावा किया। बाखमुट के पास नजर आया यूक्रेनी टैंकों का काफिला। बम्बास डैम के आसपास नजर आए 2 S-3 टैंक्स। मेलिटोपोल में हाईमार्स मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन ने किया भीषण अटैक। 7 हाईमार्स मिसाइल सिस्टम से कई रूसी मिसाइलों को टारगेट किया गया। मेलिटोपोल में रिहायशी इलाके में गिरी एक मिसाइल। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन के 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सैनिकों के काफिले पर अटैक किया। हमले में रूसी टैंक तबाह हुए। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। होवित्सर आर्टिलरी से पूर्वी यूक्रेन में घातक प्रहार। 152 mm की होवित्सर तोप से बरसाए गोले। रूस यूक्रेन वॉर जोन से आया विचलित कर देने वाला वीडियो। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी युद्धबंदियों के हाथ पैर बांधकर सिर में मारी गोली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। फर्स्ट फेज में करीब 246 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। हरियाणा के सोहना से दौसा के बड़का पाड़ा तक पहला चरण है। पीएम मोदी धनावड़ गांव में NH-1 के बनाए गए रेस्ट एरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों के बैठने और खड़े होकर जनसभा को देखने की व्यवस्था की गई है। 8 लेन का है एक्सप्रेसवे। इसमें एक इलेक्ट्रिक लेन भी बनाई जा रही है जिसमें चलेंगे इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक। कल कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। देश को समर्पित करेंगे करोड़ों की सौगात। बेंगलुरु में एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एरो इंडिया में लगाई जाएगी आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों की प्रदर्शनी। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आज ही के दिन सन 1824 में गुजरात में हुआ था महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म। महर्षि ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आज त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। कई रैलियों को कर सकते हैं संबोधित। आज एक दिन के बंगाल दौरे पर नड्डा है। पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल। कठुआ कांथी में करेंगे जनसभा को संबोधित। जंग के मैदान से आया एक और विध्वंसक वीडियो। यूक्रेन ने ड्रोन से किया रूस पर प्रचंड प्रहार। यूक्रेनी हमले में रूस का टर्मिनेटर टैंक तबाह हो गया। रूस यूक्रेन वॉर जोन से बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। क्रीमिया पर अटैक के लिए अमेरिका ने यूक्रेनी फोर्स को दिखाई हरी झंडी। कभी भी हो सकता है क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस पर अटैक करने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चाबंदी की है। टैंक आर्टिलरी के साथ हजारों सैनिक रूस पर हमला करने के लिए तैयार है। डोनेट्स्क के जंग के मैदान से आया एक और वीडियो। वीडियो में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। यूक्रेन की बिछाई माइन से उड़ा रूसी टैंक। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के आसपास इलाके में रूस को हुआ भारी नुकसान। रूसी सैनिकों ने जंग में अपने बर्बाद हुए T-72 टैंक्स को शूट किया। पुतिन ने यूक्रेन के खात्मे का नया प्लान बनाया। 6 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी में है रूस। पुतिन चाहते हैं युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। यूक्रेन ने बायो वेपन से किया विध्वंसक हमला। डोनबास समेत कई इलाकों में यूक्रेन का केमिकल अटैक। GPR हेड ने किया बहुत बड़ा खुलासा। जंग के मैदान से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर गोले बरसाए। ZU-23 गन से रूस ने भीषण प्रहार किया। ओडिशा में यूक्रेनी एयर डिफेंस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ओडिशा में यूक्रेन ने 4 रशियन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। यूक्रेनी डिफेंस के एक्शन पर ओडिशा के गवर्नर का दावा। रूस ने ड्रोन से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया था। रूस ने ईरान से मिले Shahed-136 ड्रोन से अटैक किया था। अडानी मुद्दे पर आज राजस्थान समेत कई राज्यों में बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी आप। आक्रोश रैली निकालकर करेगी विरोध। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में करेंगे शिरकत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। कल वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगे। यूपी के गोंडा में मंच पर मर्यादा भूले ओम प्रकाश राजभर। महिलाओं से कराई चरण वंदना। मंच पर पैर छूते दिखी कई महिलाएं।
मुरादाबाद में वीएचपी के नेता संतोष पंडित पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर रजत शर्मा ने सरेआम गोली मारी है, अस्पताल में एडमिट। त्रिपुरा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेफ्ट की सरकार में गरीबों के घरों में नहीं चलता था चूल्हा, आज लोगों को मिल रहा है घर और मुफ्त अनाज। त्रिपुरा के अंबासा में पीएम का विरोधियों पर हमला, बोले लेफ्ट कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात करती है, सरकार ने राज्य को डर भय और हिंसा से मुक्ति दी है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देती महंगाई बेरोजगारी, उन्हें अपने मित्र का दिखता है व्यापार और तरक्की। झारखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा बीजेपी देश में फैला रही नफरत। कर्नाटक के पुत्तूर में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को छोड़ा, मोदी सरकार ने पीएफआई पर लगाम लगाई। यूक्रेनी फौज ने साउथ यूक्रेन में 11 रूसी ड्रोन को मार गिराया, यूक्रेन ने निकोलाइव में 5 और उड़ीसा में 4 शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। सुमी में रूसी फौज ने किए 60 ठिकानों पर अटैक, सेरिडान बिलोपिलिया पेरिफका इस्मर में रूस का बड़ा हमला, रूस ने नोब हलुकीव शैलिन पर भी बम बरसाए। रूस की विध्वंसक तैयारी की खबर से कीव में हाई अलर्ट है, कीव में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, रूसी मिसाइल को मार गिराने के लिए डिफेंस सिस्टम सक्रिय। रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है, लिथुआनिया ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट गन भेजी है, लिथुआनिया रूस से सटा नेटो देश है। यूक्रेन में सीक्रेट प्रोग्राम फिर शुरू कर सकता है अमेरिका, अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, यूक्रेनी ऑपरेटर्स के जरिए अमेरिकी कमांडो रूस के मूवमेंट्स पर नजर रखेंगे। यूक्रेन वॉर के बीच पोलैंड दौरे पर जाएंगे बाइडेन, व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के दौरे की पुष्टि की है, 20 से 22 फरवरी को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे जो बाइडेन। भीषण जंग के बीच वैगनर ग्रुप के चीफ का बड़ा दावा, डोनबास लुहांस पर कब्जे में लगेंगे 1.5 से 2 साल, अगर जंग नीपर नदी की ओर बढ़ी तो लगेंगे 3 साल। बाखमुट से भीषण जंग का वीडियो सामने आया, यूक्रेनी सेना ने किया रूस पर पलटवार, हुए 7 पियोन सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले बरसाए। आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी की सबसे बड़ी चेतावनी, खतरे में है ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्लांट में काम करने वालों की जिंदगी पर बड़ा खतरा। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने किया अटैक, बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए हैं, बेलगोरोद के गवर्नर ने हमलों की जानकारी दी। कर्नाटक में गर्जा, अमित शाह बोले देशद्रोही तत्वों को मजबूत करती है कांग्रेस, बीजेपी ही कर सकती है राज्य की रक्षा। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी का बड़ा बयान, बोले आरएसएस बीजेपी से मजहबी अदावत नहीं, हमारे बीच सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में समता कुंभ का आज अंतिम दिन है, सुबह 9 बजे मंदिर में होगा दिव्य अभिषेक, सभी भगवानों और देवों की होगी आराधना। आज समापन दिवस पर उत्सव में भाग लेने वाले 108 देवों को दोपहर दी जाएगी विदाई, महापूर्णाहुति के साथ यज्ञ के होम कुंडों की अंतिम आहुति होगी। हैदराबाद में समता कुंभ के 10वें दिन अष्टाक्षरी मंत्र जाप के साथ हुई पूर्णाहुति, बलिहरण समेत कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, श्रीमद् भगवद गीता के सामूहिक जाप से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच घमासान, डिस्कॉम बोर्ड से एलजी ने आप नेताओं को बाहर किया, उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स को बोर्ड में नामित किया गया। मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना, कहा बिना प्रक्रिया फैसला पलट रहे एलजी, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है, भर्ती में धांधली के आरोप पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। डीजीसीए ने एयर एशिया पर 20 लाख का जुर्माना लगाया, पायलट ट्रेनिंग के दौरान गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगाया। सीएम अरविंद केजरीवाल और मान ने जाना प्रिंसिपलों का ट्रेनिंग अनुभव, सिंगापुर शिक्षा के मुकाबले दिल्ली पंजाब की शिक्षा व्यवस्था का अंतर बताया। यूक्रेन में नया फ्रंट खोलने की तैयारी में रूस, डोनबास से ध्यान हटाने के लिए रूस अलग जगह कर सकता है हमला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया इस बारे में। रूस ने दी पश्चिमी देशों को सबसे बड़ी वार्निंग, विदेश मंत्री लावरोव ने कहा दुश्मन को कुचल देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं। डोनेस्क में रूस पर यूक्रेन ने किया विध्वंसक हमला, जर्मनी से मिले हुविट्सर से रूसी ठिकानों पर अटैक किया, यूक्रेनी 43 आर्टिलरी ब्रिगेड ने जमकर अपना कहर बरपाया। पूर्वी डोनेस्क और लुहांस में पिछले 24 घंटे में रूस ने दागी 106 मिसाइलें, एमएलआरएस से किए 90 से ज्यादा बार अटैक, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इस बारे में जानकारी दी। बाखमुट के पास रूस ने ड्रोन अटैक करके 20 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, गोला बारूद पहुंचाने के दौरान रूस ने ड्रोन से अटैक किया। बैटल ग्राउंड से यूक्रेन के एमएलआरएस अटैक का विस्फोटक वीडियो सामने आया, पूर्वी क्षेत्र में रशियन आर्मी के पोजीशन को टारगेट कर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए गए। मोहलेदार में यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन से किया रूसी काफिले पर बड़ा हमला, हमले में रूसी सैनिक मारे गए।
अमेरिका ने किया दावा, रूस के आधे से अधिक टैंक हुए बर्बाद, वेस्ट से टैंक मिलने पर रूस पर होगा और भी ज्यादा भीषण अटैक। तुर्की के विरोध के बावजूद फिनलैंड के राष्ट्रपति को है उम्मीद, स्वीडन और फिनलैंड को जुलाई तक नेटो में किया जाएगा शामिल, फिनलैंड ने यूएस से तुर्की पर दबाव बनाने के लिए कहा। ताइवान अमेरिका से तनाव के बीच चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा हुआ है, 2035 तक परमाणु हथियारों को 3 गुना बढ़ाने में लगा हुआ है चीन। शिक्षकों के साथ संवाद में बोले सीएम मान, कहा कि जब भी कोई चीज शुरू होती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बागेश्वर धाम में होगा एक विशाल महायज्ञ, 121 गरीब कन्याओं का कराया जाएगा विवाह। जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणाम का कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नक्सली हमले बढ़े। पति अब्बास से चित्रकूट जेल में मिलने गए मुख्तार अंसारी की बहू गिरफ्तार, अवैध तरीके से मुलाकात का आरोप लगा है, जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले मथुरा में आज अहम बैठक है, साधु संतों महामंडलेश्वरों समेत कई लोग इसमें शामिल होंगे। बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने पर बनेगी रणनीति, जन्मभूमि विवाद से संबंधित अहम दस्तावेज के साथ होगा विशेष मंथन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव, 2.5 महीने के बाद सिंगापुर से लौटे लालू यादव। बर्फबारी के बीच श्रीनगर में खेलो इंडिया खेलों का किया जा रहा है आयोजन, तीसरे एडिशन को लेकर 1500 खिलाड़ियों का जोश काफी हाई है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन छोटे शावकों से जानलेवा खिलवाड़ हुआ, सैलानियों ने सेल्फी के लिए खौफनाक हरकत की, पुलिया के दोनों ओर लगी जिप्सी की भीड़। तुर्की सीरिया में भूकंप से अभी तक 28,000 लोगों की मौत हो गई है, कड़ाके की ठंड की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी हो रही है। तुर्की में भूकंप के बाद की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, तुर्की में भूकंप के बाद 30 मीटर बनी गहरी खाई, जमीन में दरार के बाद खाई की चौड़ाई हुई 200 मीटर। तुर्की में भूकंप के 96 घंटे के बाद मलबे से मासूम बच्ची का हुआ रेस्क्यू, मासूम को बाहर निकालते वक्त वहां पर मौजूद लोगों ने ऊपर वाले को याद किया। तुर्की में सैकड़ों टन मलबे में दबी महिला को मिली नई जिंदगी, 74 घंटे के बाद मलबे से महिला का रेस्क्यू हुआ है, दर्द से कराहती महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। तुर्की में भारत के एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए बनी देवदूत, टीम ने 8 साल की बच्ची को सकुशल किया रेस्क्यू, एनडीआरएफ तुर्की की सेना के साथ राहत कार्य में जुटी है। तुर्की के गंजियातेप शहर से मलबे से जिंदगी की तस्वीरें सामने आई, यहां पर स्पेनिश रेस्क्यू टीम ने एक मां और उसके 2 बच्चों को मलबे से बचाया। तुर्की से एक पालतू डॉग के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया, कई दिनों से डॉग मलबे में दबा हुआ था, इस डॉग का अब रेस्क्यू किया गया। पहले जैसा तुर्की बनाने में $5 बिलियन का खर्च आएगा, तुर्की के इकोनॉमिस्ट ने तबाही से नुकसान का अंदाजा लगाया, तुर्की में इमारत एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर होगा भारी खर्च। पाकिस्तान में कल मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आई है, कथित इश्क निंदा के आरोप में भीड़ ने एक व्यक्ति को थाने में पुलिस के सामने जिंदा जला दिया। नेपाल बॉर्डर पर भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से टेंशन में है चीन, नई रेल लाइन्स चेक पोस्ट बनवा रहा है भारत, बीरगंज में 135 करोड़ रुपए की लागत से बॉर्डर पोस्ट तैयार की गई। कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी आग, 8 गाड़ियां जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। तुर्की में आए भूकंप से उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी की मौत हो गई, लापता विजय कुमार का शव बरामद हुआ है, भूकंप के बाद से वो लापता थे। मेरठ में गंग नहर के पास हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद हड़कंप मच गया, पुलिस ने ग्रेनेड को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वैलेंटाइन वीक में कटिहार के प्रणव को दिल दे बैठी फिनलैंड की जूलिया, भारत आकर रीति रिवाज से शादी रचाई। उत्तर प्रदेश के बांदा में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराया। बिहार के कॉलेज में AK-47 और AK-56 के साय में पढ़ रही छात्राएं मनचलों के चलते तैनात रहते हैं सुरक्षाकर्मी। उत्तराखंड के बहादराबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, सड़क पर नाच रहे बारातियों को बेकाबू करने रौंदा, हादसे में बैंड वाले की मौत हो गई, 31 लोग घायल हो गए। पटना के फुलवारी शरीफ से SP का मालिश करवाते हुए वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कर्मियों ने लगाया जबरन मालिश का आरोप। जोशीमठ की तरह यूपी के औरैया में मकानों में दरारें आई है, लोगों ने शुरू किया अपने मकानों को गिराना, DM ने कानपुर IIT को पत्र लिखा। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हार, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से हराया, रविंद्र जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच।